हेमा वरुण का टिकट काट सकती है भाजपा। भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वह आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से सांसद हेमा मालिनी और वरुण गांधी के टिकट काट सकती है। यह कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को इससे संबंधित संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि वरुण गांधी स्वयं पिछले काफ़ी दिनों से भाजपा से अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वह किसान कानून और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। हेमा को 75 वर्ष पूरे होने के नियम के तहत एक टिकट से वंचित करने का निर्णय किया गया है। इस नीति के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, रमापति राम त्रिपाठी सहित उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य सांसदों के टिकट भी काटने संबंधी सूचना संबंधित सांसदों को दे दी गई है। हेमा मालिनी की जगह भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा से टिकट दिया जा सकता है। वह रिकॉर्ड मतों से मथुरा से विधानसभा चुनाव जीते थे। इनकी लगेगी लॉटरी। इधर भाजपा ने उत्तर प्रदेश से अपने कुछ मंत्रियों और विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में लड़ाने का मन बना है। जिन संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है उनमें जितिन प्रसाद, राजेश्वर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में आई आरपीएन सिंह को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है।